कमजोरियां रही है पहले उनको दूर कर दें। पिछले चुनाव में भी हम में से कोई सोच नहीं पाया था लेकिन हम गए थे हार। तो मैं आपको चेताने आया हूँ अगर कोई कमजोरी हो जाएगी देखो आज जो वातावरण बना है सहारनपुर से लेके आगरा तक शायद सभी बड़े चौथा आपके सामने हो गया तेरह महीने हम लोगों ने आंदोलन किया मजबूरी में तो किया ये हमारी कमजोरी और लाचारी थी जो ना भाई तेरा काम में सारे पत्रकारी हो रहे हैं ना नाम नहीं उठता बड़ों के भी उनका ख्याल रख लेना मेरे सारे पत्रकारी हो रहे हैं रजिस्टर में जिसका ज्यादा नाम लिखा जाएगा उसको टिकट होगा उन्हीं को टिकट दिया वहाँ का भी ख्याल रखना अगर हम और आप चुप गए इस देश में कभी भी कोई जन आंदोलन नहीं हो पाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं बढ़ेगी आगे बढ़ने किसान हारा नहीं अभी तक लेकिन अगर यहाँ नतीजा खराब दोगे तो किसान वाकई हार जाएगा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोई नहीं भर के देते ना मशीन क्या करेगी वह तो 100% के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं बड़े खुले दिल से कहता हूँ क्षेत्र ने अगर आशीर्वाद दे दिया हमारी सरकार बने बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में शायद वोट नहीं करेंगे लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं है इसलिए चिंता मत करना कोई भेदभाव नहीं होगा सरकार में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त किसी की नहीं होगी ये मान लेना मेरा कोई अपना नहीं लेकिन ये पूरा बागपत मेरा परिवार है प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी इनके अनुमान में तो आप सारे 20 मई को ऐसी हो रही हो हम तो सो रहे हैं सोए सो
ये भी इसको सौ बना दो दोस्त, अभी तो हो जाओ। कोई छोटी बात मत मानना, अगर सरकार बनती है, सरकार बन जाती है तो गांव में कुछ ऐसा काम मांगना, और मुझे लगता है कि जो आप मांगोगे उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा हम लोग करके आपको देंगे। अभी से जो है बड़े अनुभवी बुद्धिजीवी लोग हैं क्षेत्र के, डिकोली के हैं यहाँ उपस्थित, और कैप्टन साहब की तो मैंने यहाँ अध्यक्षता करा दी, विद्वान है, आप पर्ची में लिखना शुरू कर दो क्या, और अहमद पे कोई कसर मत छोड़ना, इनका हमारा परिवार, चौधरी अजीत सिंह जी इनके पिताजी से बेहद लगाव मानते थे, वे भले व्यक्ति हैं, और शायद इतने भले विधायक 403 लोगों में मिलेगा नहीं आपको, तो कोई कसर मत छोड़ो, और जो गर्मी 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 कम मत हो देना, हमने घोषणा पत्र में रखी थी और अखिलेश जी ने भी उस बात को स्वीकार किया, तो वो भी हमारे बात कहनी शुरू कर दी, 2 साल आपके खराब हुए तो कोरोना में, और सेना की भर्ती तो शायद 4 साल से नहीं हुई, तो हमारी सरकार बनेगी तो जो एक में रिलैक्सेशन देना पड़े, भर्ती बढ़ानी पड़े, महिलाओं को की भर्ती को भी मैं वरीयता दूंगा, लेकिन जो 2 साल आपकी उम्र जो कम है पुलिस में, भर्ती बढ़ानी भी पड़े, बढ़ाएंगे ताकि आपकी नौकरी, अगर नौकरी चाहती हो, तरक्की चाहती हो, मान सम्मान की भी लड़ाई है, ये जो कहते हैं बाबा बार बार के गुंडे भगा दिए, गुंडे भगा दिए, मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब उनके बता नहीं, मैं गुंडा हूँ, अपराधी था, मैंने कौन सा अपराध किया, मैं हाथ रख दिया, मुझसे क्यों लाठी चलाई बाबा, कोई मान सम्मान की बात है, आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई, चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका साया रहेगा, उनकी यादें दिल में रख के हमेशा उन बातों को जिंदा रखना, आप हमें मौका दें और चौधरी चरण सिंह की उस कोई भी विरासत को दोबारा हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।